हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ग्लोबल डिफेंस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ट्यूसडे नाइट को इस वीक पोलैंड और यूक्रेन की बॉर्डर के दरमियान पोलिश एरिया के अंदर जो एक मिसफायर्ड मिसाइल आकर गिरा था वो S-300 डिफेंस सिस्टम था, जो कि एक मिसफायर्ड प्रोजेक्टाइल था। तो आज हम आपको S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये जो है सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था और इसको सर्विसेज में 1970s के अंदर जो है वो पुट किया गया था। तो बेसिकली ये 1970s के अंदर जो है इसको सर्विसेज में पुट किया गया था। तो इसका इस्तेमाल जो था वो तकरीबन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है यूज़ होता गया टिल द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन 1991। तो सिंस कि यूक्रेन जो था वो भी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के मुताबिक यूक्रेन के पास जो है 250 के करीब जो है वो S-300 सिस्टम्स जो है वो मौजूद हैं, और ये रशियन इन्वेजन 24 फरवरी से पहले के फिगर्स हैं। लेकिन इसके अलावा किस हद तक यूक्रेन के पास और कितने S-300 मौजूद हैं उसके बारे में एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, क्योंकि इस वॉर के स्टार्ट होने के बाद नेटो ने जो है उन्होंने भी जो है S-300 जो है वो डिलीवर करके दिए थे यूक्रेन को एज अ मिलिट्री एड। और इसी साल जो है वो US ने भी यूक्रेन के एलाइज को जो कि पार्ट है सो कॉल्ड यूक्रेन कॉन्टेक्ट ग्रुप का, उनको US ने कहा था कि वो भी जो है तकरीबन मजीद S-300 जो हैं डिफरेंट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से जो है नेटो के ज़रिए जो है उसको यूक्रेन को प्रोवाइड करें, और इसके बाद जो है फिर यूक्रेन को मजीद S-300 जो है प्रोवाइड किए गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्लोवेकिया जो कि नेटो का मेंबर है सिंस 2004, उसने भी जो है 4 मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स जो थे इसके अलावा जो है कॉरेस्पॉन्डिंग रेडार जो थे वो यूक्रेन को प्रोवाइड किए। इसके अलावा जर्मनी ने जो है वो पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है वो स्लोवेकिया को प्रोवाइड किया। तो इसको कहा जाता है ये एक रिंग एक्सचेंजेस था बिटवीन द टू वेस्टर्न पार्टनर्स, जिसके ज़रिए जर्मनी ने स्लोवेकिया की हेल्प की और स्लोवेकिया ने जो ओल्ड सोवियत इक्विपमेंट थे उनको यूक्रेन को प्रोवाइड किया। तो अकॉर्डिंग टू US थिंक टैंक S-300 जो है एक बहुत ही ईजी सिस्टम है जिसको यूक्रेन जो है वो आसानी से इंटीग्रेट कर सकता है, और ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है ये यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेज जो है काफ़ी सालों से इसका इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अब वेस्ट के पास बहुत ही कम ऑप्शंस रह गए हैं कि वो यूक्रेन को मजीद जो है मजीद कौन से एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं जो S-300 के साथ इंटीग्रेट किए जा सकें। जर्मनी जो है वो IRIS-T सिस्टम के नाम से जो है एक बहुत ही मोस्ट एडवांस लैंड बेस्ड मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो है यूज़ करता है, जो कि इनकमिंग रॉकेट फायर्स को जो है टेक डाउन कर सकता है, और यूक्रेन भी ये सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के अंदर जो बहुत से एरियाज़ हैं उसके अंदर अभी यूक्रेन जो है वो ओल्ड S-300 सिस्टम को यूज़ कर रहा है। तो अभी तक क्लियर नहीं है कि सिंस फरवरी 2022 के बाद रशिया ने कितने एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं यूक्रेन के डिस्ट्रॉय किए हैं, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से जो ये लॉसेज हैं टेक्निकल लॉसेज इनको जो है सीक्रेट रखा गया है। अगर हम पास्ट में देखें तो रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो वेस्टर्न पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो कम्पीट करते आई है, और इसी वजह से उन्होंने S-400 सिस्टम्स जो थे उनको जो है वो डेवलप किया। तो ये S-400 सिस्टम जो है ये रिसेंट कौन मॉडल है S-300 का ही, जिसको अपग्रेड किया गया। तो सिंस 1970s जो है S-300 को मॉडर्नाइज किया जा रहा था, और 2004 के अंदर जो है S-400 को फुली जो है ऑपरेट कर लिया गया। अब अकॉर्डिंग टू पोलिश गवर्नमेंट जो मिसाइल आकर गिरा पोलैंड की विलेज के अंदर जिसमें 2 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके मुताबिक ये एक बहुत ही ओल्ड रशियन मेड मिसाइल था, और यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि ये यूक्रेन की तरफ से फायर किया गया था, ये कहना था पोलैंड के प्रेसिडेंट का। तो इस S-300 सिस्टम की जो रेंज है, जो लैंड बेस्ड S-300 सिस्टम है इसकी रेंज जो है वो 75 to 195 किलोमीटर है, तकरीबन 47 miles to 121 miles। तो वेस्टर्न यूक्रेन का जो इलाका है इसके ऊपर रशिया ने काफ़ी हद तक बम्बारमेंट की है, और यूक्रेन की जो मिलिट्री बेसिस है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको टारगेट किया गया था। तो तकरीबन रशिया ने 90 मिसाइल्स जो थे वो इस वीक जो है फायर किए थे यूक्रेन के ऊपर। तो ये जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बेसिस के ऊपर ट्यूसडे के दिन, तो ये तकरीबन 90 किलोमीटर अवे हैं जहाँ पर ये रॉकेट आके गिरा पोलैंड के अंदर। तो अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये रॉकेट जो है वो यूक्रेन की जो मिलिट्री बेस है वहाँ से फायर किया गया या किसी और लोकेशन से जो है इसको फायर किया गया, लेकिन मोस्ट लाइकली ये वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर से ही फायर किया गया। तो इसका मकसद जो था वो रशियन अटैक को जो है वार्ड ऑफ करना था, लेकिन यहाँ पर ये लगता है कि ये मिसाइल जो है वो मिसफायर्ड हो गया। तो फिर वेनसडे के दिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनका कहना था कि वो इस वक्त किसी भी जो है वो डिटेल को रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑन गोइंग है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया गया कि रशियन मिसाइल्स अटैक मिसाइल्स के जो शार्पनर्स थे वो भी जो है इस जगह पर फाइंड किए हुए हैं अलॉन्ग विद द मिसाइल्स, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो यूक्रेन की तरफ था, लेकिन ये जो एडिशनल शार्पनर्स हैं इनके बारे में भी जो है क्वेश्चन किया गया नेटो के
सेक्रेटरी जनरल से, और ये भी जो है क्वेश्चन जो है वो रेज हो रहे हैं कि क्या ये नेटो की प्रोटेक्टिव शील्ड जो है जो कि साउथ ईस्टर्न पोलैंड के अंदर लोकेटेड है, क्या उसकी तरफ से कोई मिसाइल जो है मिसफायर होकर यहाँ पे लगा। तो अभी तक जो है ये एक मिस्ट्री है जो अभी सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर है कि US प्रेसिडेंट बाइडन की स्टेटमेंट को अगर हम देखें और नेटो के सेक्रेटरी जनरल की, तो इसके मुताबिक तो मोस्ट लाइकली ये मिसाइल जो है वो यूक्रेनियन मिलिट्री फोर्सेज की तरफ से ही मिसफायर किया गया, जिसका मकसद जो था रशियन इनकमिंग मिसाइल्स को टेक डाउन करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इसने अपने पाथ को डिविएट करते हुए पोलैंड को जाके हिट कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पॉडकास्ट। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन से जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।